यूपी से बिहार तक, बिहार से झारखंड तक और झारखंड से कर्नाटक तक संग्राम ही संग्राम है। कहीं विद्यार्थियों का आक्रोश है, कहीं शराब पर शोर और शोक है, कहीं अपराध का जोर है और कहीं सावरकर पर विवाद घनघोर है। कुल मिलाकर यूं समझे कि संग्राम ही संग्राम है और इस संग्राम की शुरुआत प्रयागराज से। जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के रास्ते बनाए जाते हैं, उसी विश्वविद्यालय के आंगन में गोली चल रही है, पत्थर चलाए जा रहे हैं, मारपीट हो रही है, मगर यह संग्राम मचा क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रांगण युद्ध का मैदान बना हुआ, पत्थर चल रहे हैं, धक्का मुक्की छीना झपटी है और कुछ लोग लहूलुहान। जिस आदमी का सिर फटा हुआ है और खून बह रहा है, उस आदमी का नाम है विवेकानंद पाठक। विवेकानंद पाठक विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं और मौजूदा समय में कांग्रेस से जुड़े हैं। इनके साथ कुछ और छात्र हैं जो आक्रोशित हैं। बताया जा रहा है कि छात्र संघ बहाली को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, छात्रों को रोकने के लिए सुरक्षा गार्ड मौजूद थे। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों की ओर से सुरक्षा गार्ड की ओर गोली चला दी गई, गोली के चलते ही माहौल बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि दोनों ओर से जबरदस्त पत्थरबाजी हुई जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। अब सवाल है कि विश्वविद्यालय में गोली किसने चलाई और किसने हंगामे को हवा दी। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। शिक्षा के मंदिर को क्या राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आगे आने वाले वक्त में मिलेगा जब जांच होगी और ये सामने आएगा कि आखिर इस तरह की हिमाकत वहां पर किसकी ओर से की गई है।